करती है। माला का अर्थ ही यही है, जो माया से परे कर दे और ईश्वर से जोड़ दे। तभी तो हम लोग हाथ में माला नहीं पकड़ते हैं, लेकिन अंदर से ईश्वर को पकड़े रहते हैं कि माया सारी अपने आप ही परे रहती है। देखो, जिसके लिए ईश्वर सत्य है उसके लिए माया मिथ्या ही है, और जहाँ ईश्वर में सत्बुद्धि नहीं रहेगी वहाँ माया में सत्भाव आ जाएगा। तो ये बहुत आसान युक्ति है, ईश्वर में रमे रहो। मन की हर तार, जैसे एक तार कर ली मीरा ने, जो माला बाई मीरा ने फेरी। अब माला कौन सी फेरी थी मीरा ने? मीरा के पास एक तार है, एक ही मणका है। लोगों को 108 मणके दिखते होंगे, पर मीरा का तो एक ही मणका है, एक ही कृष्ण है, एक ही भाव है। तो जो माला बाई मीरा ने फेरी, क्या हुआ उससे? उसके हृदय में बस गयो गोपाला, भगवान उसके हृदय में बस गया। मना चिंतन सुमिरन ऐसे होने चाहिए कि हमारे अंदर हर वक्त परमात्मा का भाव बना रहे। देखो, वैसे भी संत महापुरुष वो सब क्या कहते हैं, सुख के समय शुक्राना, दुख के समय अरदास, और हर वेले क्या हो, सुमिरन हो। पर इंसानों की उल्टी बुद्धि है, सुख वेले मिठाइयाँ, दुख वेले दवाइयाँ, हर वेले बुराइयाँ। इंसानों की बुद्धि है, बोला तो ये गया शुक्राना करो अरदास। अरदास क्या करनी है? भगवान ताकत देना हर हालत को सहने की। शुक्राना करो सुख में, दुख में अरदास करो भगवान शिकायत ना आए मेरे मन में, और हर वेले सुमरन में लगाओ। पर दुनिया में सबने उल्टा काम कर रखा है, या तो मिठाइयाँ, या तो दवाइयाँ, या तो बुराइयाँ। लेकिन जिसने ये युक्ति सीख ली गुरु के पास आके, शुक्राना अरदास और सुमरन, ये तीन बड़े अच्छे साधन हैं। शुक्राना मानते रहोगे कभी शिकायत नहीं आएगी, अरदास में रहोगे मन भक्ति में प्रेम में रहोगे कभी उलझन नहीं होगी, और हर समय मन सुमरन में रहेगा तो माया कोई बांधेगी ही नहीं। तो मीरा ने क्या किया, उसने ऐसी माला फेरी थी जो हृदय में बस गयो गोपाला। और कोई माला नहीं फेरनी कि सांसारिक काम पूरे हों, और कोई माला नहीं फेरनी कि अच्छा मुझे दुख दर्द ना लगे, पर ऐसी माला फेरनी है कि परमात्मा हृदय में आके बस जाए। जब ईश्वर का वास तेरे हृदय में है तो फिर संसार का कोई विचार कहाँ से आएगा? ये जो फीलिंग्स अभी भी उठते हैं ना कहीं जगत में सतबुद्धि के कारण इसलिए उठ जाते हैं, वरना इतना अभ्यास करने के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि मन में कोई और विचार उठ जाए। पर जब तू भूले आपको तब व्यापे संसार। स्वामी राम तीर्थ ने अनुभव क्या लिखा अपना, वो कहते हैं कि जब जब मैंने अपने आत्म साम्राज्य को छोड़ा तो संताप रूपी यमदूतों ने मुझे घेर लिया। अब ये संताप रूपी यमदूत कहाँ से आए? जब आत्म साम्राज्य से बाहर निकला, जैसे अभी यहाँ से बाहर निकलो, अभी तो एसी में बैठे हो, बाहर निकलो तो गर्मी पकड़ेगी। कोई व्यक्ति सुरक्षित है अंदर, बाहर निकलेगा मच्छर काटेगा, कुत्ता पीछे पड़ेगा। अपने आत्म साम्राज्य से बाहर निकले फिर कोई ना कोई संताप रूपी यमदूत घेर लेगा। तो हम अपने साम्राज्य से बाहर क्यों आए? ईश्वर के साम्राज्य से बाहर क्यों आए? भगवान की याद से बाहर क्यों आए? सिमरन से बाहर क्यों आए? ये छोटी सी गलती जो हम करते हैं, इसी के कारण हम फिर माया से बंध जाते हैं। अब अंदर से अलर्ट हो जाओ कि मेरे को अपने मन को
इन बातों में नहीं बंधने देना है, एक तार भगवान से जोड़ के रखनी है। जितनी तार परमात्मा से जुड़ी रहेगी, परमात्मा को भी तो रिझा पाओगे ना। अब जो माला माई भिलनी ने फेरी, उससे क्या हुआ, जूठे बेर खाए गए रामलला। रामलला आए, जूठे बेर खा के चले गए। क्यों खा लिए जूठे बेर? प्रेम के वश खा लिए। मतलब क्या है, मेरा भाव कभी पूरा तो हो नहीं सकता, आधी अधूरी भक्ति, आधा अधूरा भाव, लेकिन मेरे भाव को देख के भगवान आकर्षित होंगे, रिझेंगे, मेरे भाव को पूरा करेंगे। तो हमारा मन अगर इस भक्ति में लगा रहे तो कौन सा विचार आएगा। पर होता क्या है, जरा सा ही कोई घटना देखते हो, दृश्य देखते हो, बात सुनते हो, फिर उधर को मुंह कर लेते हो। उधर को मुंह नहीं करना है, अपना मुंह परमात्मा की तरफ रखना है। उस तरफ देख के क्या होगा, क्या वो सच है दृश्य, क्या वो शब्द सच है, क्या वो बातें सच है? एक क्षण का विचार आपको अंतर्मुख बना सकता है, पर वो विचार उस समय आप करते नहीं हो। है तो एक मिनट का विचार ना। मन कोई भी जगत का ख्याल लाए, हम उसको बड़े आराम से रिटर्न कर सकते हैं, कोई मुश्किल ही नहीं है उसमें। भाई मन दिखा रहा है जगत सत्य है, आप तो मिथ्या दिखा सकते हो। मन चिंता करता है, कल की ख्याल करता है, आप याद दिला सकते हो परमात्मा है ना। करण करावन आपे आप, इतने जरा जरा से विचार हमें कितना ऊंचा उठा सकते हैं। गुरु ने इतने अच्छे ऑटो सजेशन दिए हैं कि आप अपने को वीक होने से बड़े आराम से बचा सकते हो। जहाँ कमजोरी आने लगे, जहाँ कोई ख्याल विपरीत आने लगे भक्ति के, जहाँ मन बहिर्मुख होने लगे, आप कितने आराम से गुरु के एक वचन का सहारा लो और आपका मन वापस मुड़ गया। अब हो सकता है संकल्प पर आपका वश ना हो, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, संस्कार मिटने में वक्त लगता है, पुरुषार्थ का रंग आने में वक्त लगता है। मान लिया मन कोई संकल्प उठा देता है, संकल्प पर आपका वश नहीं है, लेकिन चिंतन पर तो आपका वश है। जो आप बह जाते हो उसके साथ, उस पर तो आपका वश है। चलो मान लिया संकल्प पे आप कह रहे हो वश नहीं है, संकल्प उठ जाता है, कोई बात नहीं, संकल्प उठे, लेकिन जब साक्षी होंगे, संकल्प के साथ बहेंगे नहीं, तो संकल्प को जीत भी तो पाएंगे ज्ञान के विचार से। ये तो वश की बात है, मन में ख्याल उठाना, ख्याल के साथ बहना तो मजबूरी नहीं थी, चिंतन करना तो मजबूरी नहीं थी, लेकिन चिंतन खराब करता है, बह जाना उसके साथ खराब करता है। और क्षण भर को तो अगर आ भी गया, मक्खी मुंह पे बैठ गई, ऐसे कर दिया उड़ गई, क्षणिक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कर्म भी तब बनता है जब चिंतन है, कर्म का बीज तब पड़ता है, वरना तो कर्म का बीज भी नहीं है। आया संकल्प, लय हो गया, कोई बात नहीं। अब बैठे हो चार लोगों के बीच में, संकल्प आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आया और गया जैसे हवा आई और निकल गई, हमें कुछ नहीं कह गई। या भगवान कितना एग्जाम्पल बताते हैं कि राष्ट्रपति खड़ा ही रहता है, परेड आगे से निकल जाती है, बस ठीक है परेड निकल गई, ऐसे हम तो खड़े ही हैं, ख्याल चला गया। ये ना हो कि उस परेड के साथ राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चल दे। मन के किसी ख्याल के साथ अगर हम चल देते हैं, ये बात हो जाती है नुकसान वाली। हमें मन के किसी ख्याल के साथ बहना नहीं है। और धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर क्वांटिटी कम होती जाएगी। ध्यान अगर एक तरफ लगा रहे
तो इंसान अपने में मस्ती रहता है, नहीं जाता ध्यान इधर उधर, और क्षण भर को आ भी गया तो चिंतन नहीं है, उलझाता भी नहीं है वो। तो क्यों ना अपने मन को मर समय ये वाली माला दे के रखें, भक्ति की माला दे के रखें, भगवान के नाम की माला दे के रखें, परमात्मा से अपने आप को जोड़ के चलें, उसमें हम हर ख्याल से खाली हो जाएंगे। मन के पास ख्याल है ही कितने से, कभी ध्यान दो तो मन की सृष्टि कितनी बड़ी है, बड़ी छोटी सी सृष्टि है, मैं और मेरा, इसी में तो घूमता है सारा दिन, इससे बड़ी सृष्टि है कोई मन के पास? फिर और मैं और मेरा को तू और तेरा में बदल लो, सृष्टि खत्म, मन की कहाँ जाएगा? अभी पानी के जहाज पर अगर पक्षी आ गया, बैठ गया, कोशिश करता है मैं उड़ूं, इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, फिर कोई ठौर नहीं मिलता, वापस जहाज पे आके बैठ जाता है। मन को भी जब कोई ठौर नहीं मिलेगा, वापस अपने परमात्मा में आ जाएगा। भगवान तो कभी कभी बोलते थे मन को भी उड़ने दो। अच्छा, तुम्हें लगता है ना मन उड़ता है, मन इधर जाता है, अच्छा जाने दो, देखें कहाँ जाता है, कहाँ तक जाएगा, फिर इसको जब भगवत दर्शन कराओगे वैसे ही वापिस आ जाएगा। मान लो मन, आप कहते हो इधर गया इधर गया, जहाँ तहाँ भगवान दिखाओ, जहाज के पक्षी से क्या हुआ, उसको दिखा चारों तरफ पानी पानी, कोई पौधा तक भी नहीं है, वापिस जहाज पे आ गया। जब आपके मन को भी ये नजर आएगा कि केवल परमात्मा ही परमात्मा, अब उड़ के कहाँ जाएगा, अपने आप ही वापिस हो लेगा। क्यों संतों की सृष्टि सिमट गई? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्ना काई। इस अभ्यास में आप देखोगे आपके अपने शरीर की माया भी सिमट जाती है, वरना इंसान को लोभ लालच इच्छाएं वासनाएं बहुत कुछ घेरे रहता है। पर जब सब गोविंद है, हर चीज से उपरांता होती जाती है, अब अपने शरीर के लिए भी बहुत लोभ लालच नहीं रह जाता, जो है उसमें संतुष्ट हो, जैसा है उसमें खुश हो, ना मैं ना मेरा, ना तू ना तेरा, सृष्टि सिमटेगी। सृष्टि बढ़ती कब है? जब अंदर कोई ना कोई लोभ लालच आ जाता है। सृष्टि सिमटती कब है? जब अंदर से फकीरी आ जाती है। अंदर से फकीरी हो ना, बाहर की फकीरी नहीं, अंदर की फकीरी हो, अंदर से महसूस हो तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, आई वॉन्ट नथिंग, आई पोजेस नथिंग, तो धीरे धीरे सिमटाव शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं देखो कुछ समय सिमटाव होता है, फिर कुछ समय आपका मन दुनिया के लोभ लालच में फंसने लगता है, सो भी गलत है। मुझे क्या करना, ज्ञानी को ना अपने लिए करना ना अपने वालों के लिए करना, हर बात से परे बैठा है। उसको अंदर एक विश्वास है कि करन करावन आपे आप, तो ये विचार भी नहीं करना पड़ता, मैं इसके लिए सोचूं, मैं उसके लिए सोचूं, काय के लिए सोचूं। एक वक्त देखो मन तुम्हारा नया नया ज्ञान लगता है ना, हर चीज से छूटना चाहता है, फिर बीच में होश आने लगता है, संभलना है इस बात से, नया नया वैराग लगता है ना, ये भी छोड़ूं ये भी छोड़ूं ये भी छोड़ूं ये भी करूं ऐसे भी करूं, पढ़ाई वाले कहेंगे पढ़ाई छुड़ा दो, नौकरी वाले कहेंगे नौकरी छुड़ा दो, घर छुड़ा दो, बड़ा जोश होता है, फिर थोड़े समय बाद होश होता है, होश आने लगता है, चलो सभी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, सेटिंग तो करके चलना ही है, संभालना तो है ही, करना तो है ही, होश आने लगता है, फिर होश में मन फिर हाथ पांव चलाने शुरू कर देता है इंटरनली, ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, दिमाग चलाता है, ये दिमाग है ना, बड़ी जल्दी वर्क करता है, प्रॉम्प्ट है बड़ा, जितना किसी की बुद्धि तेज होती है प्रॉम्प्टनेस उतनी ज़्यादा होती है, और प्रॉम्प्टनेस किस में होती है,
अपने स्वार्थ में, अपने सुख में, अपने लोभ में, दूसरे की बात काटने में, अपने को स्याणा समझने में, दूसरे को मूर्ख समझने में बड़ी प्रॉम्प्टनेस होती है इन चीज़ों में, इसी को संभालना होता है। फिर होश आ जाता है, फिर मैं ये करूं, फिर मैं वो करूं, फिर मैं इसकी सेटिंग करूं, फिर मैं उसकी करूं, ये कहां से आया होश? ये बीच में अब ज्ञान का जोश ठंडा हो गया। जब ज्ञान का जोश ठंडा होगा तो तुम्हारे पास संसार का होश वापिस आएगा। अगर संसार का होश वापिस आने लगे, जागना, सतर्क रहना, संभलना कि इसका मतलब मेरा गुरु भक्ति का, ज्ञान का जोश ठंडा हो रहा है, तभी मुझे उधर के होश आते जा रहे हैं, तभी मुझे ख्याल चलता है अपने वालों का, अपने वालों के लिए मन सोचता है, इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं, क्यों ख्याल आता है, खेचल नहीं लगती? एक समय देखो आपके मन को ये सब खेचल लगती है, घर वाले थोड़ा सा भी बांधना चाहें खेचल लगती है, और एक समय आके हम खेचल करनी शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें होश आ गया, हम खेचल में पड़ जाते हैं, इसका ये करा दूं, उसका वो करा दूं, मैं कौन हूं? फिर ये बीच में कहीं इनकार कहीं स्वीकार, ध्यान दो, कहीं इनकार, कभी तो बिल्कुल इनकार कर दोगे, नहीं जी हम क्यों फंसे हैं, हमारा क्या मतलब, हर कोई अपनी अपनी जाने, कभी तो बड़ा इनकार, कभी फिर स्वीकार, क्योंकि मन सोचता है कि मैं उसमें अटक तो नहीं रहा हूं ना, मेरे को कोई खेचल थोड़ी है, मेरे को कोई पुरुषार्थ थोड़ी है, मेरे को कुछ करना थोड़ी है, क्यों दिमागी खेचल कुछ नहीं है क्या, दिमागी खेचल कुछ नहीं है, चिंतन में तो हो, दिमाग तो लगाते हो, ध्यान तो देते हो, क्यों नहीं करना पड़ता, दिमाग तो जाता है, तो कभी वो भी जो खेचल है वो भी छूटनी चाहिए। औखा होए ना मन कि मैं ये खेचल भी किसके लिए कर रहा हूं, फिर जुड़ने लगा, फिर संसार को सच मानने लगा, फिर अटकने लगा, फिर लोभ में आने लगा, क्योंकि जब ऐसी सहज कारण बनते हैं ना लालच के, मन फंस जाता है, चलो इधर का दिया उधर, उधर का किया उधर, बीच में प्रॉफिट आ गया, चल मुझे ना आए मेरे वाले को तो आ जाए, तो फंस तो रहे हो, फिर तुम्हें चिंतन तो हो रहा है, फिर इस चक्कर में लिंक तो रखोगे, पूछोगे तो सही, हिसाब तो लगोगे, कुछ तो होएगा, तो फिर होश आ गया दुनिया का। ध्यान दे के देखो, ये ऐसे ही तो होश आते रहते, बिल्कुल कोई कारण ना हो मेरे पास संसार से कोई वास्ता रखने का, क्या ऐसी स्थिति बनाने का मन करता है? कोई कारण ना हो, वो रीजंस ही सब खत्म कर पाओ, लेकिन मन सोचता है चलो फ्री में हो रहा है कोई बात नहीं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बात ज्यादा या कम इन्वॉल्वमेंट की नहीं है, बात तेरे मन के संकल्प के बंधने की है, बात तुम्हारे मुंह की है, बात तुम्हारे लोभ लालच की है, क्योंकि ये भी तो पक्की बात है कि लालच अगर अपने लिए होता है पहले तो चलो अपने लिए ना सही, अपने वाले के लिए ही सही, ये तो एक भावना रहती है ना अंदर में, कि कभी तो आप पहली कोशिश होती है आपका अपना बेनिफिट हो जाए, अपना बेनिफिट नहीं हुआ, मन सोचता है चल मेरे वाले का ही हो जाए, होए तो सही, तो कहानी तो वही है, कहीं पर प्रत्यक्ष कहीं पर अप्रत्यक्ष, विकार तो वही है, लालच तो वही है। आज दूसरे को हम बोल सकते हैं भाई पता नहीं इसको किसके लिए चाहिए, किसके लिए करना है, तो अपने को भी खोज के देखो किसके लिए, व्हाट फॉर, किसके लिए खोज के देखो, पता चलेगा। जिस दिन से ये समझ आया कि शरीर का निर्वाह प्रारब्ध पर है और इसकी प्रारब्ध इसको मिलती है, उस दिन से तो अपने आप सिमटाव शुरू हो जाता है, क्या जरूरत है बिखराव की,
सिमटाव बहुत है। मान लो कोई चल भी रहा है हमारे साथ इस मार्ग पर, तो ठीक है, उसकी भी प्रारब्ध है, उसने कुछ सोच के ही तो कदम उठाया होगा, पर हम उसके लिए भी चिंतन में क्यों पड़े, उसके लिए भी क्यों उलझन में पड़े। ये दिमाग तो खर्च होता है ना, ये तो नहीं कह सकते कि वृत्ति 24 घंटे ब्रह्माकार रहती है। जो जो सांसारिक कार्य पकड़ोगे, दिमाग तो चलाओगे ना, चिंतन तो जाता है कि नहीं जाता है। वे कोयलों की दलाली में हाथ भी काला तो मुंह भी काला, आज नहीं तो कल होएगा। मन को ये याद तो रहेगा, मेरी वजह से किसको फायदा हुआ, मेरी वजह से किसका काम चला, मेरी वजह से किसी को जीवन का आधार मिला। फिर मन कहेगा क्यों वो भी तो मेरे लिए सोचे, वो भी मेरे रिस्पेक्ट करे। पर कोयलों की दलाली में अगर एक बार हाथ काले किए, हाथ मुंह पे तो लगना ही लगना है, गलती से मुंह काला होना ही है साथ, ये नहीं विचार कर पाते तो कोयलों की दलाली करने चल देते हो। मैंने क्या करना, कोयले इसने देने उसने लेने। अब बैठोगे तो सही ना कोठरी में, जब सौदा होगा तो कालक तो लगेगी लगेगी। काजल की कोठरी में जाके कोई बिना कालक के भी वापिस आया है क्या? ख्याल करके देखो, कुछ खेचलों से असल में तुम्हारा मन परेशानी नहीं होता है, ये भी अनुभव करना। कुछ खेचलें ऐसी हैं जिनको सहज किए जा रहे हो, थकते नहीं हो, मन रुकता नहीं है, मन सोचता है कोई बात नहीं, ये खेचल नहीं है। जिस खेचल को खेचल मानोगे नहीं, उस खेचल से ऊंचे कैसे उठोगे? और जिस खेचल को खेचल मान लोगे, उसका संकल्प भी तंग करेगा, औखे होगे अंदर से। अभी कई खेचलें ऐसी हैं जो तुम्हें खेचल लगती नहीं। एक शरीर में सुख बुद्धि है, इसका आना जाना खेचल लगता है। अगर शरीर के प्रारब्ध निर्वाप के लिए भी निकलना पड़े, सुख बुद्धि तो बहुत है, जहाँ मौका मिले आराम, जहाँ मौका मिले एसी, जहाँ मौका मिले गाड़ी, जहाँ मौका मिले सुख, सुख बुद्धि तो बहुत रहती है शरीर में। तो इस वजह से आना जाना तो खेचल लगता है, लेकिन जब सुख बुद्धि पलट के अपने स्वार्थ में आ जाए ना, तो दिमाग चलाने में खेचल नहीं लगती। लगता है मैंने किया ही क्या, बैठे बैठे दो का चार इधर किया, चार का दो इधर किया, मैंने किया क्या, कोई बात नहीं, काम हो गया, बस इधर से ऐसे चरखी घुमाई, उधर से ऐसे चरखी घुमाई। लेकिन चरखी घुमाने में दिमाग की चरखियां तो चली, माला तो रुकी होगी कि माला चलती रही, माला तो रुकी होगी। क्योंकि ऐसा भी नहीं है भगवत अर्थ हो रहा हो काम, भगवत अर्थ थोड़ी हो रहा है। ये थोड़ी मन में आया कि चलो अगर मैं कुछ कर रहा हूं भगवान के अर्पण है, ये अर्पण तो या मेरे है या मेरे वालों के है, भगवत अर्थ तो है नहीं। और भगवत अर्थ करने के लिए तुम्हारा दिमाग भी नहीं चलेगा, चलेगा वहां तो सोचोगे नहीं भगवान तो मना करते हैं, ये थोड़ी कि मैं कमाऊं इकट्ठा करूं और भगवान को दूं, वो तो मना है। भगवान कोई तुम्हारा भूखा बैठा है क्या, तुम खिलाएंगे खाएगा? गीता भगवान तो बोलते हैं भगवान कोई नंगा बैठा है, तुम पहनाओगे तो पहनेगा, तो वो तो मना है। अब दिमाग के घोड़े दौड़ किस लिए रहे हैं? फिर आंतरिक जुड़न है ना कोई ना कोई। अभी अगर मैं उसमें से बोलूं किसी और को दे दो ये, तो थोड़ी दे पाओगे, और दे भी दोगे मेरे कहने से मन हलचल में तो आएगा। एक उधार भी तुम्हें कह दो किसी के लिए, मुश्किल लगता है देना, पलट के बंदा पूछता ही नहीं दोबारा, आपने कहा था उसके लिए, फिर तो वो तो औखा हो गया ना। इसका मतलब मैं और मेरे की स्टोरी है सारी, इसका मतलब ये सारा मानसिक जगत है, इसका मतलब तुम्हें दिमागी खेचल खेचल नहीं लग रही, इसीलिए तुम खुशी से किए जा रहे हो। 4 बजे भी उठोगे, 5 बजे भी उठोगे, बड़ी मेहनत कर लेते हो माया में, लेकिन किस लिए? कभी अपने से पूछो किस लिए,
जब तेरा शरीर भी तेरा नहीं, ये भी भगवान का है, भगवान ने इसको धारण किया, गुरु ने इसको खरीद लिया, अब उसका काम। भाई घोड़े को घोड़े के माँ बाप ने जन्म दिया होगा, उसके बाद तो जिसने खरीद लिया घोड़े की घास वो खिलाएगा। शरीर धारण किया भगवान ने, खरीद लिया गुरु ने, तो घास भी वो देगा। फिर तेरी खेचल का क्या अर्थ है? तुझे अंदर जगत क्यों लिपायमान करता है? तेरी माला क्यों रुक जाती है? तेरी ये माला छूट के जगत की माला क्यों शुरू हो जाती है? तेरी बुद्धि में इतना जगत क्यों है कि तुम्हें डॉक्टर भी बोलते हैं कि दिमाग बहुत चलता है आपका, तो कोशिश किया इसको थामने की? क्या अभ्यास किया इसके लिए? हंसी में टाल देते हैं कि, या सोचते हैं बड़े प्रेस्टीज इशू है, डॉक्टर भी कह रहा है आपकी बुद्धि बड़ी तेज है, लेकिन यहां तो बुद्धि का विषय ही नहीं है। अपने को बुद्धि के चंगुल से छुड़ाने के लिए कौन सी समाधि लगाई, कौन सा अभ्यास किया, कहां से छुड़ाया जगत से अपने को? है ध्यान में वो सब, वो खेचल वहां की रुके तो कोई साधना की खेचल चले ना। साधना में कोई खेचल चलती नहीं, दिमाग दौड़ता ही नहीं, क्योंकि सोचते हो ज्ञान तो गुरु सुना रहा है, मैं सुन रहा हूं, जीवन बड़ी अच्छी चल रही है, व्यवस्थाएं करूं कुछ माया की। तो ये अगर आपको खेचल, ख्यालों की खेचल भी खेचल ना लगी, बुद्धि की खेचल भी खेचल ना लगी, तो आप इन्वॉल्व रहोगे जगत में। वो खेचल भी खेचल लगनी चाहिए। अगर पोता नहीं आया ना स्कूल से 2-2:30 बजे तक, आपको घड़ी नहीं दिखनी चाहिए, 2:30 बज गई आया क्यों नहीं, बहू से पूछूं? ये खेचल खेचल नहीं लगती। आप कहोगे घर में रहती हूँ, पूछ लिया, उसने बता दिया मम्मी लेट आएगा, आज फंक्शन है, एक्स्ट्रा क्लास है, फ्रेंड के घर गए, पर आपको विचार चला मुझे ये खेचल हुई क्यों, मुझे ये खेचल क्यों हुई? आया नहीं आया उसकी वो जाने, खेचल क्यों हुई? पूछो अपने से खेचल क्यों हुई, क्योंकि तुम फकीरी अख्तियार करके नहीं बैठे हो। जहां फकीरी नहीं है वहां खेचल है, और जहां फकीरी है अंदर से वहां खेचल कोई नहीं। कभी कभी बाहर से दिखता है हम खेचल रहते हैं, अब कंजूस आदमी भी बाहर से अपने लिए खेचल रहते होते हैं, देखा है तुमने? जितने कंजूस लोग होते हैं, खास तौर पे बढ़िए कंजूस जो होते हैं, वो अपने लिए भी नहीं खर्चते, गुजारा करते रहते हैं, चल कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, उनको बोल दो तुम्हारी बर्थडे बर्थडे है, कुछ ले लो, सूट साड़ी पहन लो, गिफ्ट ले, कोई नहीं, वो ठीक है, क्या करना है? सच में लगेगा वैरागी, लेकिन असल बीमारी क्या है? 99 का फेर, गड्डी पूरी कर लूँ ना मैं, ना पहनूंगा चलेगा, ना खाऊंगा चलेगा, पर जमा हो, जुड़ा होना चाहिए, वो जोड़ वाली बीमारी। अब कभी कभी सत्संग में आके भी दिखता है फकीर दिखते हो कभी कभी, सच में हम तो अपने पर भी देखिए आप, मैं तो अपने पे भी नहीं खर्चता कभी, फिर ये दिमाग के घोड़े जोड़ने क्यों दौड़ते हैं? ये भी तो सोचो ना, ये कोई विरक्ति नहीं हुई ना, संग्रह माना विरक्ति होता है क्या? संग्रह तो और बुरी बीमारी है, फिर उससे तो अच्छा खा खर्च लो, जी लो जिंदगी, अगर दिया है परमात्मा ने तो खा खर्च लो, तुमसे अच्छा वो जो खा खर्च लेता है। अब तुम वैराग के नाम पे अपनी कंजूसी को पूरा कर रहे हो, वो कंजूस दिल नहीं है, अपने लिए भी खर्चने का दिल नहीं है, और ज्ञानी के पास तो दूसरों के लिए खर्चने का भी दिल है। आओ अभी खड़े पैर, अगर तुम्हारे लिए करना पड़े लाओ 10,000 अभी खर्च देते हैं, कोई बात नहीं, 5,000 अभी खर्च देते हैं अगर तुम्हें सुख मिलता है, क्या हुआ फिर? और तेरा मन कहेगा नहीं ये भी जोड़, क्या करना खर्च के, इकट्ठा कर ले, रख ले, काम आएगा, मेरे वाले को भी दोगे ना, मन ये सोचेगा है तो मेरा ही, कहाँ खर्च करेगा मेरे से बिना पूछे, जुड़ी रहे हैं गरीब में, अच्छी बात है, मेरे पास नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, पर घर में जुड़ भी रहे हैं,
है नहीं लोभ, ये पूछो अपने से, वो खेचल ही नहीं लग रही ना। कितनी खेचलों में मन दिन भर में जाता है, दो बात करें, क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, ये खेचल आपको खेचल ही नहीं लगती। कोई बात बता रहा है, नहीं ऊपर से अपनी बोलनी है, खेचल खेचल ही नहीं लगती तुम्हें, कितनी बुद्धि चलाते हो सारा दिन, तुम्हें लग ही नहीं रहा ना ये खेचल है। अगर समझ आ जाए ये खेचल है तो इससे उठने की कोशिश भी तो करोगे भाई। माला में हम कोई खेचल नहीं करते, करते हैं क्या भाई? ध्यान भी नहीं भटकना चाहिए, आंखें भी नहीं चलनी चाहिए, मन भी नहीं चलना चाहिए, माला तो इसी को कहते हैं। वो अलग बात है, आजकल जपने का स्टाइल फर्क है, उधर माला चलती रहती है, आंखें जगत देखती रहती हैं, मन संकल्प विकल्प करता रहता है। गिनने की तो वो थी, पीछे हम एक जगह गए, किसी संत ने हमको वो दी, ऐसे टिक टिक वाली मशीन है कोई उसकी, उसको लगा हम लोग भी माला जपते होंगे, बोला ये माला नहीं जपनी पड़ेगी, ये बटन दबाते रहो टिक 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 आ जाएगा कितनी बार जप ली, वो भी टेंशन खत्म हो गई। मतलब या तो इसमें एक बात है कि माला को इतनी लीनता से करना चाहते हो कि गिनती ना करनी पड़े, पर अगर गिनती करनी नहीं है तो छोड़ो परे काम को, फिर मणके भी क्या गिनने और काउंटिंग भी क्या करनी। जब देने वाला बेहिसाब दे रहा है तो तुम भी नाम जपे जाओ बेहिसाब, हिसाब क्या रखना, कल इतनी जपी थी, आज इतनी जपी, सवेरे इतनी जपी थी, शाम इतनी जपी, फिर हिसाब क्या रखना, चलते चलो फिर बेहिसाब चलते चलो, पर उसका हमको हिसाब रखना। और माया, माया का कोई हिसाब नहीं, जितनी आती है आने दो, जितनी इकट्ठी होती है होने दो। तो ये जो माया की खेचल है, पूरे दिन में बैठ के अपने से एक बार ये ज़रूर देखना कि मैं कितनी देर ईश्वर के चिंतन से अलग था। आपको पता चलेगा आप जगत के ही चिंतन में रहते हो, ईश्वर का चिंतन तो बड़ा कम होता है। रोज हिसाब करो और ये समय बढ़ाओ कि मैं ईश्वर के चिंतन से दूर नहीं होना चाहिए, मैंने कितना समय गवाया। हर घंटे अपना हिसाब लो, इस एक घंटे में मेरा ध्यान कहाँ था, मेरी वृत्ति कहाँ थी, क्या मैं ईश्वर से जुड़ा हुआ था, क्या मैं परमात्मा के संगी लगा हुआ था, कितनी देर मैं चिंतन में था, पूछो अपने से, तब समझ आएगा दिमाग की खेचल क्या क्या है, कहाँ कहाँ ध्यान दौड़ता है। निष्काम सकाम किसी में ध्यान ना दौड़े, केवल अपने भगवान की भक्ति में मन रहे, वो माला। अगर नरसिंह फेरते हैं भगवान भात भरने आ गए, तो भात कौन से भरे? तुम बोलोगे शादी थी बेटी की, उसका भात भरा, नहीं, भगवान भक्ति से भात भरता है भगत का, भक्ति देता है, प्रेम देता है, जागृति देता है और अपने से जोड़ता है। ये है परमात्मा का खेल, तो ये है परमात्मा की कृपा, तो ये है माला फेरने का फल, वरना क्या माला फेरी। माला फेरी ते मन नू चोट ना लगी, तू एक ही माला फेरी, फेर फेर के माला टूट गई पर ममता दी कुंडी नहीं टूट रही, तो क्या फायदा हुआ फिर। माला फेरी, माला टूट गई, इतनी माला जप ली, फेर फेर के माला टूट गई पर ममता दी कुंडी नहीं टूट रही, तो फिर माला थोड़ी फेरी, फॉर्मेलिटी करी, बार का बस एक काम किया। जैसे आप बच्चों को कोई काम बोलो ना, फॉर्मेलिटी से करके रख देते हैं, आप कहते हो ये क्या किया है तूने, इससे अच्छा तो मैं खुद करती थी। तो आप भक्ति को फॉर्मेलिटी से नहीं करते,
बस बाहर से फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, बाहर से दिखा रहे हो मैं भगत हूँ बड़ा, मैं बड़ा फकीर हूँ भगवान का, मैं बड़ा साधक हूँ, लेकिन अंदर साधना वाली लक्षणा वो है? अपने से पूछो, सवाल करो जरा। वृत्ति बैरमुख कैसे हो जाती है बार बार? क्योंकि आप अपने माया की खेचल को खेचल नहीं मान रहे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको अभी भी कई खेचलें, बाहर की भी कई खेचलें खेचलें नहीं लगती, दिमाग से भी दौड़ना दौड़ना नहीं लग रहा, क्योंकि अभी उस ठहराव को अनुभव ही नहीं किया है। एक ठहराव ज्ञान वाला, एक ठहराव भक्ति वाला, जिसमें एक संकल्प भी उठाना भारी लगे, अभी उस चीज को अनुभव नहीं किया है, इसीलिए ये खेचल ही खेचल नहीं लगती। जिनके घर होते हैं ना उसके किनारे रेलवे की पटरी के, उनको नींद आ जाती है आराम से, पर जिनको आदत ना हो, सोना पड़ जाए ना कभी ऐसे घर में, भैया हमको तो सारी रात नींद ही नहीं आई, ऐसे धड़ 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 इंजन दौड़ते थे, आवाजें आती थी, घर हिलता था, तुम्हारा लगता था भूचाल ही आ गया है। लेकिन जिनको आदत हो गई, अब वो मछली वाली है, फूलों के घर भी ले गए उसको फूलों वाली के, तो भी कहती है नींद नहीं आ रही, मेरी टोकरी पे छिटा दियो मछलियों पे, तुम्हें भी हो गई है आदत मछलियां बेचने की, खरीदने की, सूंघने की, फूलों की खुशबू अभी ली नहीं जो मछली की बास महसूस हो, वो ठहराव अनुभव किया है अंदर? कहां ठहराव अनुभव किया? स्थिरता अनुभव की? अजगर वाली वो स्थिति कभी कल्पना भी करके देखी है अपने लिए कि अजगर कैसे एक जगह पड़ा रहता है? खाने के लिए भी पुरुषार्थ नहीं है, श्वास में ही जहर है, चिड़िया उड़ रही है ऊपर, देखता है बस चिड़िया मुंह में आ गिरती है। कभी अपने लिए सोची है ये बात? गुरु के लिए तो सोची होगी, भाई यहाँ ज्ञानी ऐसा होता है, तुम चूहे ही बने रहोगे, दौड़ते ही रहोगे सारा दिन, चूहा है ना सारा दिन दौड़ता है, कभी बैठा दिखता ही नहीं, चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, पुरुषार्थ में लगा ही हुआ है। अपने लिए क्या स्थिति सोची है? मूषक बने रहोगे, गणेश जी की सवारी चूहा, और गणेश जी क्या है, काम सिद्ध करते रहते हैं, तुम भी सारा दिन दुनिया के काम सिद्ध करते रहो, चूहे बने रहो। क्यों बने हुए हो चूहे? तुमने अपने लिए क्यों नहीं सोचा कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती? तन थिर, मन थिर, वाणी थिर, इंद्रियां थिर, सारा कुछ स्थिरता में अनुभव हुआ तुम्हें? भाई मेरा तन बिल्कुल स्थिर है, कोई खेचल ही नहीं है, उठाना पड़ता है अपने को, कभी ऐसा लगा? एक दिन भी महसूस किया? मैं इतना नाम नशे में डूबा हूं, मेरे को यहां से वहां जाना भी भारी लग रहा है, आज दिल ही नहीं कर रहा भगवान के भाव से, गुरु के भाव से बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा। तन में ऐसी स्थिरता अनुभव की है कभी? सारी इंद्रियां शिथिल, सारे अंग शिथिल, पड़ा है एक जगह अजगर की तरह। मन में कभी शिथिलता अनुभव हुई कि मेरा मन सर्व संकल्पों का त्यागी हुआ है, सर्व संकल्पों का? जबकि ये पहली बात है, सर्व संकल्पों का त्यागी, आत्मा से आत्मा में रमण करने वाला, कभी अपने को स्थिति पे खड़ा करने की कोशिश करी? सर्व संकल्पों का त्यागी, अभ्यास किया कभी बैठ के? कोई संकल्प नहीं आए, हालांकि ये भी संकल्प है कि कोई संकल्प ना आए, फिर भी पुरुषार्थ तो करो एक बार, पहरे पे तो बैठो कि कोई संकल्प नहीं, किसी का लेना देना, जीना मरना मुझे कुछ याद नहीं, मन बिल्कुल खाली है,
चलो एकदम खाली नहीं होता तो बिल्कुल भक्ति की तार जुड़ी रहे फिर, पर संसार का कोई संकल्प ना आने पाए, इसको भी मन का स्थिर होना ही कहेंगे। वाणी थिर, कि आज मेरा बोलने का ही मन नहीं कर रहा, इतना अपनी अंतर्मुखता में हूं, एक शब्द बोलना भी औखा लग रहा है आज मुझे। पूछो ना अपने से, पलक झपकाना भी भारी लगता है ज्ञानी को, सुनी हुई हैं बातें, अभ्यास है इनके ऊपर, प्रैक्टिस है, कोशिश की है स्थिर होने की, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बताती कि तुम्हारा अभ्यास है। एक योग युक्त पुरुष का उठना बैठना चलना, उसका फेस एक्सप्रेशन, सब चीजें बहुत फर्क होती, लेकिन जब प्रैक्टिस ही नहीं है, सारा दिन रजोगुण में पड़े, रजोगुणी वृत्ति, ये करना है ये करना है, इधर जाना है इधर आना है, मरना याद नहीं है, करना बहुत याद है। चलो कुछ खेचल सेवा की है, ठीक है मान लिया, लेकिन जो खेचल माया की है वो, जो स्वार्थ की है वो, चलो हनुमान जी भी राम काज करने को आतुर, लेकिन फिर भक्ति से दमक तो रहे हैं, राम काज भी राम को आगे रख के किया जाए ना, राम काज भी तो मैं को आगे रख के करते करते तो राम काज हो, पर उसमें भी मैं तो आती है, मैं करता हूं, और वो कहता है राम के बिना कदम नहीं उठाता, जय श्री राम, और चल पड़ता है। उसको मालूम है राम की शक्ति से होएगा, तुम्हें मालूम है मेरे करने से होएगा, मैं करूंगा तो होएगा, मैं जाऊंगा तो होएगा, तुम कहां कहते हो भगवान आप चलोगे आप ही करोगे, मेरी क्या औकात है कुछ करने की, आपके काज आप ही संवार सकते हो, आपके काज संवारने वाला कौन पैदा हुआ। आया किसी दिन ये भाव आता है, कोई काम करने जाते हो ये ख्याल आता है कि भगवान अपने कारज करने वाले आप खुद हो, निमित्त कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसा नचा रहे हो, तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम नाच रहे हो, तुम्हें तो लगता है तुम्हारे जैसा सियाणा कोई नहीं, अकल वाला कोई नहीं, तुम ही बढ़िया काम करते हो, तुम ही होशियार हो सबसे ज्यादा, तुम तो इसी मूर्खता में मरे जा रहे हो, मूर्खता है ना ये। उस दिन भी मैंने बोला ईगो एंड प्राइड कम्स व्हेन यू फील दैट आई एम राइट, आई नो, बट रिस्पेक्ट एंड ऑनर कम्स व्हेन अदर्स रियलाइज दैट यू आर राइट। बहुत फर्क है, अहंकार आएगा जब ये सोचोगे मैं ठीक मैं करता हूं, पर संसार से आदर कब मिलेगा, जब दूसरे लोग महसूस करें कि तुम ठीक हो। मजा तो उसमें है ना, अपने सर्टिफिकेट तो हर कोई बना लेता है, अपने पर्चे छाप के बैठे हो, पर तुम्हारे पर्चे छापने से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो ईश्वर के करने से होगा। तो अपने को विराम में लाने के लिए ये पुरुषार्थ भी तो हैं। नहीं चलता अभ्यास, थोड़े दिन बैठ के अष्टावक्र गीता पढ़ो, 18वां प्रकरण, जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति क्या है, जरा उसको खोल के पढ़ो बैठ के, तुम्हें समझ में आएगा कहां किस स्थिति पे खड़े होना है। 100 लक्षण बताए हैं, 100 श्लोक है अष्टावक्र गीता में, 18वां प्रकरण, केवल जीवन मुक्त पुरुष की बातें हैं उसमें, जीवन मुक्त पुरुष का अनुभव क्या है, जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति क्या है, जीवन मुक्त पुरुष अंदर से कैसा अनुभव करता है। तुम सारा दिन खेचल में पड़े, जो दुनिया में खेचल थी सो यहां खेचल है, और क्योंकि अपने अंदर खेचल का स्वभाव है तो सौंपा भी नहीं जाता किसी को कि होशियार करो चार लोगों को, नहीं कर पाओगे,
पावर्स का डेलीगेशन बड़ा मुश्किल है, कैसे दे दूं दूसरे को पावर, क्योंकि वो गलत करेगा मैं सही करूंगा, जितने इसको समझाऊं मैं कराता हूं जाके। हाँ, अपना कोई पर्सनल काम है जरूर किसी की मदद ना लो, पर सेवा कार्यों में तो तुम मदद ले सकते हो ना सबकी, अपने को टाइम दो ना। आपके पास अपने लिए वक्त नहीं, अपनी साधना के लिए वक्त ही नहीं। अभी पूछें बैठ के कितनी देर अपने से बैठते हो, है टाइम? मिल भी जाए कभी टाइम तो हंसी ठट्ठे में बातों में इसमें खत्म हो जाता है भाई। बैठे कभी लिखा पढ़ा कुछ पुरुषार्थ किया? नहीं, वो तो जब आप एक बार डांटते हो फिर तीन चार दिन कोशिश कर लेते हैं, फिर 6 महीने डायरी धूल खाती है। बताओ, तुम्हारा अपने लिए ये खेचल करने का ख्याल आता है कभी पुरुषार्थ? दौड़ भाग लगा रखी, कब सिमरोगे राम? उम्र तो बीती रही है, साल बीतते देर लगती है, हैप्पी बर्थडे लोग तालियां बजाने आ जाते हैं, मोमबत्तियां बुझाने आ जाते हैं, चल भैया एक साल और कट गया, केक क्या काटा, एक साल अपना ही कटा है। कल तक बोलते थे 16 साल के हैं, अभी तो 20 साल के हैं, तो 30 हो गए, 35 हो गए, 40 हो गए, दौड़ता जा रहा है वक्त। देखो, ध्यान दो। कभी कभी तो अपनी एज सोच के ही हैरान हो जाओगे, इतनी बड़ी उम्र हो गई, इतनी एज हो गई हमारी, जा रहा है वक्त, रोज जा रहा है, हाथ ही नहीं आ रहा। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी तमाम हो रही है। तो जिस लक्ष्य की तरफ चले, पूरा देखो ना कि उस लक्ष्य को पाने की कोशिश चल रही है या कोशिश छूटी हुई है सारी, प्रमाद में जीवन जाए जा रहा है, काम तो आएगा नहीं, जितना मर्जी कर लो काम तो आएगा नहीं। आखिर मिला ना जेरब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ, दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ, और जो यहां आ गए उनकी तो खास तौर पे तुम तो करोगे ही क्या, तुम्हें तो 2 धोती और 2 रोटी से काम है, इससे आगे तो गुरु बढ़ने भी नहीं देगा, फिर इकट्ठा करके भी लोगों के लिए छोड़ जाओगे, क्या करोगे? चलो एक सांसारिक आदमी कमाएगा, बीवी को सोने का सेट ले देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, मोटरसाइकिल ले देगा, कुछ तो करेगा, तुम क्या करोगे? तुम्हें तो पैदल ही चलना है, साधक का साधन से क्या काम, सुख के साधनों से साधक का क्या काम, तुम्हें तो पैदल चलना है, फकीरी अख्तियार करनी है। गले में गुरु का पट्टा है, चेन डालने की जगह तो है नहीं, क्या करोगे? तुम करोगे क्या? बटोर भी लोगे, लोगों के लिए छोड़ जाओगे, फिर क्या? इससे बेहतर है अपनी खेचल कम करके और मन मधुसूदन में लगाओ। मन मधुसूदन में तो लगता नहीं, भटका हुआ है, संसार में भटका हुआ है, इसीलिए सारा दिन कोई विचार आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, हलचल मची पड़ी है। अब अपनी इस हलचल को तुम खुद जीत सकते हो, कोई और नहीं। अपनी इस हलचल से तुम खुद उपराम हो सकते हो, बशर्ते पहले अंदर खेचल महसूस हो कि क्यों चल रही है ये खेचलें। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा के लिए हूं, रमना मेरे को उसमें है, माला मेरे को वो फेरनी है, इधर बैठ के मांगते हो मुझे दे दो भजन वाली वो माला, उठते ही यहां से मालाएं सब यहीं फेंक के जपते तो माया की माला हो, फिर क्या फायदा हुआ?
अगर परमात्मा की माला जपनी है तो सबसे मन हटाना होगा। जब तक मन में एक की भी खेचल है तो माला तेरी टूट रही है। पूरे दिन में कोशिश करो भगवान के सिवाय कोई संकल्प ना आए, भले बाहर से कार्य सब करने पड़े तो क्या हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने कितनी आसान युक्ति दे दी कि एक उल्टा स्त्री है, घर के सारे काम कर रही है पर मन यार में रख के बैठी है। तुम भी मन रखो परमात्मा में, बाहर से निभता भी है शरीर से तो निभे जा रहा है, तुम्हें कह के आ रहा है, पर जब अपनी अंदर की कोई खेचल नहीं है ना तो बाहर भी जो निभता है वो कभी ओवर नहीं होता, एक्सेस नहीं होता, जितना जरूरी का है उतना हो जाता है, बाकी तो हमारे संकल्प अनुसार भगवान हमें फ्री भी तो करता है अपने लिए, क्यों नहीं करेगा। अगर हम चाहेंगे भगवान हमें अपनी भक्ति के लिए वक्त नहीं देगा, आजाद नहीं करेगा, खाली नहीं करेगा, पर कोशिश करें तो सही ना। जब हम कोशिश ही नहीं कर रहे तो काम कैसे बनेगा। कोशिश करो अपने मन को दाएं बाएं नहीं होने दो। घोड़े को देखा काने बांध देते हैं कि दाएं बाएं ना देखे, देखेगा तो दौड़ेगा, वो घास दिख गई ना फिर नहीं सुनेगा, अड़ जाएगा, काने बांध देते हैं कि सीधी सड़क देखे। तुम भी कोई काने बांध दो अपने मन को, सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, अड़िया ना कर मन वे। मन को बोलो अड़ मत, सीधा चल प्रभु प्रेम वाली राह, ना बीच में घूमना है ना मुड़ना है ना दाएं बाएं होना है, पर सीधा चलता जा, सीधा परमात्मा के मार्ग पर बढ़ आगे। अपने आप से पूछ, भगवान के आगे रो कि भगवान मुझे कब मायातीत करोगे, मुझे कब केवल अपनी भक्ति के लिए फ्री करोगे, मुझे कब आजाद करोगे संसार के सारे कार्यों से। कोई अपना भी तो संकल्प होवे, जितना तीव्र संकल्प होगा भगवान उतनी तीव्र व्यवस्था करेगा, क्यों नहीं करेगा। आज तक हुआ है किसी ने भगवान से भगवान को मांगा हो और भगवान उसको ना भी मिला हो, हुआ क्या ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। जिसने चाहा मिला उसे मुक्ति का धाम, तरे पत्थर लिखा जिस पे रघुवर का नाम, तो तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे। अगर भगवान उन पत्थरों को तार सकता है जिन पे उनका नाम लिखा हुआ है तो तेरा तरना तो बहुत आसान है, तू तो जड़ पत्थर भी नहीं। पर यही है कि पत्थर ने अपने ऊपर खुदवा लिया ना राम नाम, फिर मिट नहीं सकता। तू अपने हृदय पे लिखवाता है फिर मिटाता है, फिर दूजा नाम लिखता है फिर तीजा लिखता है, तेरे साथ दिक्कत ये वाली है। पर अगर तेरे हृदय पे भी वही राम का नाम खुद जाए, मिटी ना सके जो, तो क्यों नहीं तरेगा। कोई खुद तंग हो अपने अज्ञान से और उसके अंदर का अज्ञान निवृत्त ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई अपने विकारों से तंग हो और विकार ना छूटे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कह रहे हो ना अभी विकार हैं अभी ख्याल हैं, आप खुद तंग नहीं हो उनसे। जिस दिन आप तंग आओगे ना, रोओगे कि मेरे को ये विकार नहीं, भगवान हटा इसको, हट जाएगा। जिस खेचल से तुम तंग आ जाओगे उसका रास्ता मिल जाएगा। देख लो आप घर में भी, आप संसार में भी देखो, जो काम आपको नहीं करना होता था आप रास्ता ढूंढ लेते थे, और जो काम करना होता है उसका रास्ता भी ढूंढ लेते। बात ये, अगर आप खुद अपने मन से तंग आओ, ख्यालों से तंग आओ, विकारों से तंग आओ,
संसारिक खेचलों से तंग आओ, भगवान आपको रास्ता जरूर बना के देगा। पर जो कह रहे हैं ना, मैं छूट नहीं रहा, हम समझ जाते हैं अभी खोट इसके अंदर ही है। अपने अंदर का खोट मिटाओ, भगवान तो सारे संकल्प पूरे करता है। जब माया के भी पूरे कर दिए तो क्या उसके मार्ग पर बढ़ने का आपका संकल्प वो पूरा नहीं करेगा? उसने तो आपके माया के संकल्प भी कितने पूरे कर दिए, किए हैं ना। कितनी चीजें कहते हो, बस मैंने सोचा, भगवान ने दे दिया, ऐसा हो गया वैसा। जब माया के संकल्प पूरे कर दिए, अपने मार्ग पर बढ़ने का रास्ता नहीं देगा वो आपको, ये कैसे संभव है? इसका मतलब अभी राह मांगी नहीं है, इसका मतलब है अभी प्योर हार्टेड हम ही नहीं है, इसका मतलब है अभी कहीं ना कहीं हम ही सेट होके बैठे हैं संसार में। जो सेट होगा माया में, उसका मन भगवान में नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, जब राजा ने कलयुग को मना कर दिया, हमारे यहां तू नहीं रह सकता, बोला अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को 2-3 चीजें बता दे जिसमें मैं वास कर लूं। तो उसने एक स्थान दिया था सोना, और सोने का मुकुट जब अपने ही सिर पे लगाया, कलयुग उसके सिर पे चढ़ गया। कहां से परेशान हुआ? खुद ही स्थान दिया सोने में, और सोने का मुकुट लगाते ही अपना दिमाग खराब हो गया। अब संत के गले में मरा सांप डाल दिया, कहानी कहां से कहां चली गई। संत ने श्राप दे दिया, तक्षक नाक काटेगा 8वें दिन। फंसा कैसे? सोने के मुकुट के कारण, सोने में स्थान दिया था। तुम्हारा मन जहां जहां वास करता है, तुम भी स्थान दे देते हो। अच्छा इतनी माया ठीक है, इतनी लिमिट ठीक है, कभी कभी मिल जाता है तो खुश हो जाते हो, मुझे सोने की अंगूठी मिली, मुझे सोने का कड़ा मिला। अब सोने में वास किया तुमने, यही तुम्हारा दिमाग खराब करेगा, चिंतन आएगा। आज एक चीज को देख के खुश हो, कल दूसरी की कामना करोगे, इंतजार करोगे। घर वाले कहते थे तेरे नाम कराएंगे, आए तो नहीं, दे तो नहीं गए, जोड़ा तो नहीं उन्होंने मेरे लिए। चलती हैं दिमाग की चक्कियां, नहीं चलती हैं मायातीत हो। पूछो अपने से, मायातीत हो? यहां बैठ के भी दिमाग चलाते हो, अच्छा लगता है, शौक फिर जागते हैं अंदर से, ये पहन लूं, ये खा लूं, यहां घूम लूं, ये कर लूं। है केवल परमात्मा का रस है, केवल केवल एक धुन है। अगर एक धुन होए तो तुम रो, मीरा रोती है, भगत देख राजी भई जगत देख रोई। तुम अपनी अवस्था बताओ, तुम्हें जगत देख के कब कब रोना आया? अभी हम तुम्हें खबर दें, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे नाम 2 लाख कर रहे हैं, तुम्हें रोना आएगा, हंसना आएगा, खुश हो जाओगे, सेटिंग हो गई, फलाना काम हो गया, रोना आएगा कि भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, अपनी भक्ति की दौलत दे, ये तो मेरा गुजारा चल ही रहा है, मुझे चाहिए ही किसके लिए, 2 फुलका खाना है भगवान तू चला रहा है मेरे को बड़ा अच्छा, पर मुझे चाहिए क्या? ये बीच बीच में भगवान परीक्षा भी लेता है, देखें फंसते हैं या छूटते हैं, देखें फंसते हैं या उलझते हैं, देखें वैराग वृत्ति है या विषय वासना है अंदर संसार की। तो ये तो आप अपने अंदर की करुण पुकार अरदास, ये दुख का वेला, जो माया आती है भगत के लिए दुख का वेला, सुख का वेला सिमरन वाला। तो अरदास करे भगत, भगवान माया नहीं तू चाहिए। तो मिठाइयां दवाइयां बुराइयां छोड़ देना, और क्या पकड़ना है? शुक्राना, अरदास और सुमरन।
कल्याण हो जाएगा इससे।